लेट्स सी कि कैसा हुआ है। मानती हूँ इनके कुछ हैक्स सच में काम करते हैं, बट प्लीज इसको 5 मिनट हैक मत बोलो। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ 5 मिनट हैक्स, जो आप लोग हमेशा देखते हो, आज हम उसको ट्राई करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा एंड मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में मतलब इंटरनेट पे इतने ज़्यादा 5 मिनट हैक्स आ गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। और मैं बार बार फ्लॉन्ट करूँगी मेरे फिंगर्स को लेके, नेल्स को लेके, बिकॉज मैं यूजुअली नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, बट जब भी मैं लगाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो में दिखाया है कि एक लेडी है जो लाइनर लगा रही है, और लाइनर लगाते उफ अचानक से किसी का धक्का लग गया और लाइनर कुछ इस टाइप से डबल विंग बन गया। सो देखते हैं ये सेलोटेप काम करेगा या नहीं, बट उसके लिए पहले इसको ड्राई करना पड़ेगा। जब ये ड्राई हो जाएगा उसी के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम ना इसको ढूंढने में ही लग जाता है। 5 मिनट हैक्स कोई काम के नहीं होंगे अगर इसको ढूंढने में ही 10 मिनट्स लग जाए तो। 2000 years later ये लाइनर खराब हुआ है, बस वहाँ पे इसको इस टाइप से लगा के थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा। आई एम होपिंग कि ये निकल जाए। वाओ, इट रियली वर्क्स, बहुत ही सही तरीके से निकला है, बहुत सही तरीके से। एंड जस्ट आप क्यूटिप के हद से थोड़ा सा ये कर सकते हैं, यू कैन सी काफी अच्छे से निकाला है एंड इट रियली रियली वर्क्स। सो बिग बिग थम्स अप फॉर दिस हैक, क्योंकि ये सच में काम करता है। हो सकता है आपका कभी मस्कारा यहाँ लग जाए या कुछ यहाँ पे वहाँ पे लग जाए, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस हैक फॉर श्योर। नेक्स्ट हैक है कुछ इस टाइप का, आईब्रोज अच्छे से फिल करनी नहीं आती हैं, देन इस टाइप से सेलोटेप की हेल्प से आप आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। बट सच बताओ ये सेलोटेप हैक में ना सबसे ज़्यादा मुझे ये सेलोटेप का टिप ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके नाउ आई गॉट इट, बट मेक इट श्योर कि आप किसी भी सेलोटेप को डायरेक्ट अपनी स्किन पे मत लगाओ। इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन देन आपको इरिटेट कर सकता है, तो आप थोड़ा सा अपने स्किन पे पहले इस टाइप से लगा के फिर उसको रिमूव करके अप्लाई करो अपने स्किन पे, क्योंकि फेस का स्किन है थोड़ा सा डेलिकेट हो सकता है ना, तो इसलिए उसके बाद यूज़ करो ताकि उसकी चिक्की कम हो जाए। इस वाले में मुझे पिंपल है, सो मैं इस वाले आईब्रोज में करूंगी। क्योंकि हमें आईब्रोज फिल करनी है ना तो थोड़ा सा बराबर से लगाना पड़ेगा, सो दैट हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो यहाँ वहां ना लगे। सो नेक्स्ट को यहाँ लगा दिया है, अब हमें यही चीज नीचे से भी कवर करनी पड़ेगी। सो गाइस मैं मानती हूँ इनके कुछ हैक्स सच में काम करते हैं, बट प्लीज इसको 5 मिनट हैक मत बोलो। 5 मिनट में तो ये लगाने में मतलब 10 मिनट्स लग जा रहे हैं यार, 5 मिनट नहीं होता है। ओके सो नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आई शेडो लेंगे या फिर आप अपना आईब्रो पेंसिल या आईब्रो पाउडर वगैरह ले सकते हो। राइट नाउ मैं ये वाला ले रही हूँ, और ब्रश की हेल्प से लगाना है, ब्रश की हेल्प से लगाओ, नहीं लगाना है जैसे लगाना है वैसे लगा सकते हैं। अब मैं इसी की हेल्प से लगा रही हूँ। Eternity later. Okay, I need to change my eyebrow color, so मैं change apply कर लिया है, और अभी मैं excited हूँ कि ये work करता है या नहीं, क्योंकि पहला वाला इतने अच्छे से काम किया है तो मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ। Wow, I mean seriously, बहुत ही अच्छे से shape आया है। इसको थोड़ा क्लीन भी करना पड़ेगा। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हैक काम करता है, बट अगर आपने प्लेसमेंट थोड़ी भी आईब्रोज के मतलब जहाँ पे हेयर है उसके ऊपर कर दी तो स्किन के ऊपर लगेगा, और आपको फिर क्यूटिप की हेल्प से इसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा। बट ओवरऑल आई जस्ट लव दिस हैक, और थोड़ा सा क्यूटिप की हेल्प से कर भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कि अगर ये 5 मिनट हैक है और अगर ये आपका टाइम बचाना चाहते हैं तो कैसे, मुझे 5 मिनट तो सिर्फ यहाँ पे वो सेलोटेप की प्लेसमेंट में ही लग गई। सो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा रोज़ थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट दो दो मिनट का अपना प्रैक्टिस करो आईब्रोज का, और एक दिन आप बिना सेलोटेप के भी अपने आईब्रोज को फिल कर पाओगे। मैं इसको दूंगी थम्स अप दूंगी। आई एम सो सॉरी, बट अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे ज़्यादातर हैक्स
इन्हीं के साथ में है। सो सेलो टेप के साथ में हमारा नेक्स्ट हैक है, तो हम ये वाला भी सेलो टेप ले सकते हैं या फिर हम वो वाला भी, बट उसमें कुछ इस टाइप का हैक, मेरे पास में वो वाला सेलो टेप नहीं है जो उन लोगों ने यूज़ किया है, तो मैं इस टाइप का ही सेलो टेप लूँगी। और अगेन इसका ओके दिख गया लगा लिया है। और सांस यहाँ पे गड्ढे करने की जरूरत है, सांस नहीं आ रही एक मिनट, मुझे सच में प्रॉब्लम है। सो मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में नहीं होता है इतना, तो इसलिए मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी विंग सो दैट आप लोग देख पाओ, ठीक है। सो गाइज ये करना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आपका विंग बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं हो जाना चाहिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सो इस स्टेप से मैंने किया है दिस शेड ओवर हियर, और ये प्रॉपर ब्राउन है। सो दोनों को मिक्स करेंगे चॉकलेटी ब्राउन कलर, और देखेंगे कि स्मोकी विंग लाइनर बनता है यानी, एंड विद द हेल्प ऑफ फिंगर जस्ट इस टाइप से। मुझे लिटरली यहाँ ये नाक वाला नहीं पसंद आया, ये तो चलो मैं कैसे भी कर लूँ इतना आई डोंट थिंक करने की ज़रूरत है, बट इसलिए शायद किया है ताकि आपको एग्जैक्ट सेम विंग मिले, बट फिर भी बहुत ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी कि कैसा हुआ है। सो मैंने चिक्की निकाला था, फिर भी मेरे स्किन पे हल्का सा चिक्की का वो अजीब सा लग रहा है। ये वाला बहुत ही अच्छा जमा है, मतलब बहुत ही अच्छा। ये वाला थोड़ा सा अजीब सा हुआ है, बट आखिरकार आपको अपने हिसाब से सेटअप करने की ज़रूरत है ही है। सो इसीलिए ये हैक को मेरे हिसाब से ना करते हुए आप खुद ही प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हैक वर्क करता है या नहीं, तो एक आँख पे किया है एक आँख पे नहीं किया है, बट इट्स टोटली अप टू यू, आपको करना है नहीं करना है। बट किया तो है पर एक आँख पे, दूसरी आँख पे आपको वही अच्छे से टेपिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान देने वाली चीज़ है। टेपिंग अच्छे से हुई है नहीं हुई है, ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है, वो अपने को ही देखना है। जब अपने को ही सारा देखना है तो अपने ही हाथ पे भरोसा रखो ना। सो ये वाला काफ़ी अच्छा हुआ है, पर टेपिंग ना आप याद से रिमूव कर लेना, अदरवाइज अभी भी मुझे जल रहा है। सो गाइज आई होप आपको ये हैक्स अच्छे लगे होंगे, हैक्स अच्छे लगे हो या ना लगे हो आई डोंट नो, बट वीडियो तो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन Bye.